सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया हो और मैं भी आपका भाई बढ़िया हूँ। और इसी के साथ में आप जो भी मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक ना, विजयनगर का रास्ता ये आप देख लो। अभी मुझे पेट्रोल भी फिलअप करवाना है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर पेट्रोल भी बहुत कम है। हमें पेट्रोल भी डलवा लेंगे आगे से जैसे हमें टाइम मिलता है। मैंने अभी एक नया बोया का माइक लगाया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि उसकी ऑडियो कैसी है, आवाज़ साउंड बढ़िया है या नहीं है। नया लिया है मैंने अराउंड 130 का ऐसा कुछ आया था, ये भी लिया है मैंने। मोबाइल माउंटर भी ऑर्डर किया है और उसके बाद में अपन देखते हैं क्या होता है। और 360 का चल रहा है मेरा। और आप बताइएगा ज़रूर कि वॉइस कैसी लग रही है मेरी, क्योंकि मैंने अभी न्यू माइक लिया है, जैसे कि मैंने आपको ही बताया था कैसी क्या वॉइस कैप्चर हो रही है उसके अंदर। उन्होंने बोला रहते हैं हम निकल चुके वाले भाई साहब वहाँ से फेस लगाने के चक्कर में आज, लेकिन ये भूल रहा है कि रोड लिखिंग बाइक है, सॉरी बाइक है रोड की। भली एफजेड है तो क्या हुआ, हमारी एचिप डीलक्स इसका नाम ही शुरू होता है कि हाई परफॉर्मेंस, HF का फुल फॉर्म किया जाता है जिसे। तो ये एफजेड वाले समझ के रहो। हाँ वैसे छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है, हमें रेस वेस नहीं लगाना है, बस मुझे तो क्या इनकी फ्लाइट मिस नहीं हो जाए उस चक्कर में हम थोड़ा सा तेज चला रहे हैं, क्योंकि उनका भैया के बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि हमारा पार्सल है सर जल्दी आ जाओ, जल्दी से निकलते हैं। ये देखो एग्जिट वाला फिर आ गया, मतलब बार बार ड्रॉप कर रहा है मुझे रेस के लिए, जबकि मैंने बोल दिया हमें नहीं लगाना है तो नहीं लगाना। समझ नहीं आता यार कैसे कैसे लोग हैं। और आप एक बार ज़रूर बताइए जो मेरे बाइक का हॉर्न है ये कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मैंने कुछ एक न्यू चॉइस किया है इसे, मतलब चेंज किया है कुछ अलग सा। अरे यार एकदम सामने तो आती है लोगों को, समझ नहीं आता इन गाड़ियों वालों का चक्कर क्या रहता है कि हॉर्न बजाने के बाद भी गुस्सा चलाता है व्यक्ति। अब हमें जाना है, वो तो मैंने जगह देख ही ली है, इसीलिए मैंने मोबाइल लगा लिया है, क्योंकि मेरे पास में एक ही फ़ोन है वीडियोस बनाने के लिए। ये मेरा बिल्कुल आँख के सामने आ रहा है एक तरफ का, जैसे एक आँख से मैं अंधा हो गया हूँ ऐसा दिख रहा है पूरा इसके अंदर, कि
कि एक आँख के सामने आ चुका है मेरा हेलमेट जिसको बोलते हैं। मैं कुछ और बोल रहा था, पेडिंग, कि पेडिंग तो अंदर रहती है, हेलमेट सामने आया था। बस बार बार मेरा ये दिक्कत है कि फेस मेरा छोटा सा और हेलमेट मैंने बड़ा ले लिया। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हेलमेट कौन सा लेना चाहिए, बस मैंने हेलमेट ले लिया था। फिर मुझे कलर पसंद आया था उसका मैंने, और तब बड़ा हेलमेट है ना, एक तो मेरे अकॉर्डिंग कि मेरे सर पे भी सही साथ बैठ नहीं पा रहा है वो। अभी चलते हैं, गाड़ी क्रॉस कर रही है, ब्रेक करने दीजिए, इसको निकालते गाड़ी को पीछे, नहीं मतलब उसको पीछे निकालते और हम अपने आगे लेके चलते हैं। अब निकलते हैं, ये आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये हमें आना है यहाँ पर। ये आ गए हम हमारी लोकेशन पर, हमें इसके अंदर जाना है, इसके अंदर कोई पार्सल वगैरह देना है मुझे, मैं उसको देके फिर यहाँ से हम निकलते हैं। पहले यहाँ पर गेट पे एंट्री करवाते हैं ये भैया के पास में।